हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में अपने साइंस का टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मैटर होते हैं उनका स्टेट जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अ सब्सटांस में एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। कोई भी एक सब्सटांस जो होता है वो क्या है, वो तीन मैटर्स तीन स्टेज में क्या होता है, स्टेज में वो वेरी करता है, एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। वैसे तो पांच होते हैं लेकिन आपको जो मैटर के स्टेट है वो हम तीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, आगे इसमें कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो मैटर है उसके जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करेंगे। सेकंड में हमें बोल रहा है बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अ सब्सटेंस कैन बी मेड ऑर टू एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस होने की कंडीशन जो होती है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को बता सकते हैं, मेड मतलब बनता है ये। अ सॉलिड ऑन हीटिंग यूजुअली चेंजेस इनटू लिक्विड इनटू विच ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू गैस। अब इसमें कह रहा है कि एक सॉलिड को जब यूजुअली क्या किया जाता है, एक सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है कब, जब विच हीटेड चेंज इनटू गैस। जब हम उसको गर्म करते तो वो किस में चेंज हो जाता है, एक कोई भी सॉलिड चीज़ है, इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी सॉलिड चीज़ है उसको क्या करेंगे, जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो लिक्विड में चेंज होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो लिक्विड में चेंज नहीं होगी एंड और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो लिक्विड होगा उसको हम हीट करेंगे मतलब टेम्परेचर में होगा तो वो क्या होगा, गैस में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अ गैस ऑन कूलिंग कंडेंस इनटू अ लिक्विड विच ऑन फर्दर कूलिंग चेंज इनटू सॉलिड। अब इसमें क्या है, जब कोई भी गैस का जो फॉर्म होता है जब वो ठंडा होगा तो क्या होगा, वो कंडेंस मतलब कि लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी जो गैस फॉर्म होती है वो ठंडा होकर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। एंड कूलिंग चेंजेस इनटू अ सॉलिड, और जो ठंडे होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो हम इसमें आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें हमें तीन स्टेज गिवन है, यहाँ पर है सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है विदाउट लिक्विड फॉर्म में आए तो हम उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के लिए कैम्फर लेते हैं, कैम्फर हमारा क्या होता है, देखो घरों में भी यूज़ किया जाता है, मतलब कपूर की बात की जा रही है, कपूर हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है जब हम उसको जलाते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में होता है, ना कि लिक्विड में होता है। तो इसलिए जो सॉलिड से गैस के फॉर्म में चेंज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस गैस से सॉलिड में चेंज होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, सेम प्रोसीजर वही है, उसे भी हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अब यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि गैस से सॉलिड, मतलब कि यहाँ पर भी क्या है, बिना लिक्विड के फॉर्म में चेंज हुए कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी जो मैटर है वो क्या है, गैस से सॉलिड में हो रहा था, वो भी फिर से क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस ही फॉलो करेगा। आगे हमारा इसमें कह रहा है, अब नीचे वाला पोर्शन हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉलिड टू लिक्विड। अब कोई सब्सटेंस है वो सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, तो क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो गया है, ठीक है। जब आइस होता है, आइस को हम क्या करते हैं, जब हम उसको बाहर रख देंगे रूम टेम्परेचर में तो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद देखेंगे वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, पहले सॉलिड में था, आइस सॉलिड में था, फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे मेल्ट होकर किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। तो ये प्रोसेस जो होता है सॉलिड टू लिक्विड का, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। अब सेम इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लिक्विड। जब हम लिक्विड से किसी चीज़ को सॉलिड में चेंज करते हैं, मतलब कि हम पानी को फ्रिज में रखते हैं बर्फ़ जमने के लिए, मतलब कि आइस के जब फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, सो लिक्विड, पहले लिक्विड में था
फिर जब हमने उसे फ्रीज़र में रखा तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो गया। फ्रीज़ का मतलब वो जमकर किस में कन्वर्ट हो गया, पानी से सॉलिड फॉर्म मतलब आइस आइस में हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल गिवन है, जैसे कि हमें यहाँ कुछ गिवन है, नोटिस द मोस्ट फैमिलियर एंड कॉमन एग्जांपल इज वाटर। देखो जो एक वाटर है ये क्या होता है, ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है, इट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट। एक वाटर ही ऐसा मैटर है जो क्या करता है, तीनों स्टेट में क्या होता है, वेरी करता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में जैसे कि हम बोलेंगे तो आइस की बात हो रही है, पानी से हम आइस जमाते हैं, मतलब कि वाटर का यहाँ पर रोल हो रहा है, मतलब सॉलिड स्टेट उसका शो हो रहा है। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड क्या होगा, वो पानी में ही रहेगा, पानी का फॉर्म ही रहेगा। और थर्ड क्या होगा, गैस वेपर। गैस वेपर मतलब कि जब हम पानी को बॉयल करेंगे तो उसके वेपर्स क्या होंगे, रेज होंगे, मतलब कि वेपर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कि इस एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है कि जो एक वाटर है वो तीनों स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आगे हम देखते हैं इसमें, आइस इज अ सॉलिड स्टेट एंड मे बी मेल्टेड टू फॉर्म वाटर। जो आइस होता है वो क्या होता है, उसकी स्टेट तो सॉलिड होती है जब क्या होता है, और कुछ टाइम बाद वो मेल्ट होके किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड मतलब वाटर हो जाता है। तो इस विच ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इंटू स्टीम, और फिर जब उसको हम हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम मतलब कि गैस फॉर्म में चेंज होता है। तो दीज चेंजेस कैन बी ऑल्सो रिवर्स्ड ऑन। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिवर्स्ड होते हैं। रिवर्स्ड का मतलब दोबारा से अपनी स्टेज पे जो भी चीज़ आ जाते है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, जैसे आइस है, अब आइस था वो क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। आइस आइस इसमें दे रखा है ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे, और हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इसको दोबारा से यहाँ पे देखो, ये जो एरो आपको शो किया गया ना यहाँ पे, ऐसे कुछ एरो ऐसे दे रखा है, तो इस एरो का मतलब है आप इधर से बात कर रहे हो, मतलब इस आइस से वाटर बनने के प्रोसेस की बात कर रहे हो, मतलब जब गर्म करोगे बर्फ़ को तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा। फिर दोबारा से उसी प्रोसेस को यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब हम वाटर को कूल करेंगे, मतलब कि हम पानी को क्या कर रहे हैं, हम पानी को क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कूल कर रहे हैं, कूल का मतलब हम उसको जमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पानी कूल होगा तो क्या होगा, आइस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपको रिवर्स प्रोसेस आपको ये बताया गया। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें, वाटर, अब वाटर को हम हीट करेंगे, अब गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टीम मतलब कि गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और फिर सेम हम स्टीम को जो है, जो गैस फॉर्म में होता है उसको जब हम ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि जब हम इसको ठंडा गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, ठंड आइस से मतलब कि गर्म करेंगे तो लिक्विड क्या होगा, यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें वाटर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ये लिक्विड फॉर्म में, और स्टीम की बात हो रही है मतलब कि गैस फॉर्म में आ गया ये। क्लियर। अब आगे हम अगले वीडियो में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। चेंज होने में जो टेम्परेचर होता है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।